रन आउट डाइट में आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण। आज उस भारतीय नारी का चित्रण बताएंगे जो शादी के बाद में भी उनको सुख नहीं मिला है, जिसकी जो अधिकारी है उसके बाद में भी वो अपने सतीत्व को बचाए रखे हुए और अपने इज्जत मान मर्यादाओं का सम्मान करते हुए जी रही है, जिसमें उनको बड़ी आशाएं और अपेक्षाएं हैं। किस तरह देखिए, लेट इसलिए हुई क्योंकि मैं लेटी हुई थी, कोई मुझ पर लेटा हुआ था, वो हिल न सका, मैं उठ न सकी क्योंकि वो मेरा बेटा था। इस प्रकार आगे सुनने के लिए अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब बने और वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आपको इस प्रकार के वीडियो मिले और लोगों को वंचित जो सुख से है उन्हें फ़ायदा मिले। आपने एक कवित्री की एक कल्पना सुनी जिसको मैं वापस सुना दूं। लेट इसलिए हुई थी क्योंकि मैं लेटी हुई थी, कोई मुझ पर लेटा हुआ था, वो हिल न सका, मैं उठ न सकी क्योंकि वो मेरा बेटा था। ये एक नारी ने लिखी है कविता। क्यों लिखी है इसमें न उलझे, तात्पर्य ये कि जो महिलाएं शादी के बाद 2 साल 10 साल तक माँ नहीं बनी है, क्योंकि उसमें उनके पति का जो हाथ होता है वो एक यंत्र चालित अलौकिक आनंद लेने में रहते हैं, हस्तमैथुन उनके आदि हो जाते हैं और उन्हें शीघ्रता की आदत होती है कि फटाफट काम पटा लिया जाए, तो ऐसे लोगों में मैथुन करने की क्षमताएं लुप्त हो जाती है। उन लोगों ने काफ़ी, जिन्होंने 50,000 से 4 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं, स्वर्ण बस में खा ली है, पर वो ठीक नहीं हुए, जिसमें मेरे पास में डॉक्टर एस के जैन के पेशेंट हैं, उन्होंने स्वर्ण बस में खिलाई पर ठीक नहीं हुए। उसमें मूल कारण ये है कि व्यक्ति को जो एक काउंसलिंग की आवश्यकता है, व्यक्ति को एक मार्गदर्शन की जो आवश्यकता है, मार्गदर्शन एक दवाई नहीं दे सकती आपको, कोई सोना नहीं दे सकता, स्वर्ण भस्म आपको मार्गदर्शन नहीं दे सकता है। जीवन शैली आपकी जो बिगड़ी हुई है उसको वापस सुधारने के लिए एक काउंसलर की आवश्यकता होती है, और ये काउंसलर वही हो सकता है जो जिसमें अच्छी पकड़ हो, अच्छा साइकोलॉजिस्ट हो, तो ही आपकी नब्ज पकड़ने और उसको आपको सही काउंसलिंग दें। आपको ज्ञात होगा महाभारत के अंदर अर्जुन भी नपुंसकता को प्राप्त था, पर कृष्ण भगवान ने उसको वो ज्ञान दिया जो नपुंसकता से उभरा और युद्ध किया और युद्ध जीता। तो अर्थात आपको भी उस सोए हुए काम को जगाकर, और आपको भी रति के साथ में वो क्रियाएं करनी है, और आपको भी इस जीवन में जीतना है, तो आप अच्छे काउंसलर से सलाह लीजिए। अच्छे काउंसलर से सलाह लेंगे निश्चित है आपको अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा, और आपका खोया हुआ विश्वास, खोया हुआ स्वास्थ्य वापस मिलेगा। और जब आप खोया हुआ स्वास्थ्य, खोया विश्वास प्राप्त कर लेंगे, निश्चित है आपकी वो खुशियाँ आपको लौट आएगी, आपकी पत्नी के पास में वो खुशियाँ लौट आएगी जिस खुशी के लिए आप तड़प रहे हैं, आपकी श्रीमती तड़प रही है, वो खुशी आपको मिलेगी। आपको अच्छे काउंसलर की आवश्यकता है, अच्छी डाइट की आवश्यकता है, जो बैलेंस डाइट दे, जो पाचन पचे। आप देखें कि व्यक्ति हर समय रोता नहीं है, जब आंसू की आवश्यकता होती है तब निकलता, ठीक वैसे ही काफ़ी लोगों के वीर्यपात होता रहता है बिना क्रिया क्रिए। अर्थात आपको अच्छी डाइट की आवश्यकता है, काफ़ी लोगों को आंसू आते ही नहीं है, जिसमें सेंसिटिव नहीं होना, अर्थात आपके पास में वो आहार शैली नहीं है, आपके पास में वो लाइफस्टाइल नहीं है, आपके पास में वो शिक्षा और संस्कृति नहीं है जिससे आप में इस प्रकार के भाव उत्पन्न हों। हमेशा सेक्स और क्रोध
ये दोनों रिप्रेशन में अर्थात दमन की अवस्था में रहते हैं, इनको निकालते हैं तब निकलता है। आदमी को हर वक्त क्रोध नहीं आता है, ठीक वैसे ही आदमी को हर वक्त सेक्स नहीं आता है, उसके लिए जागृत करना पड़ता है, और जागृत करने के बाद में वो आदमी आराम से सेक्स कर सकता है। अगर आप में किसी प्रकार की कोई कमी हो, कोई इस प्रकार के काउंसलिंग की आवश्यकता हो, तो आप आपके निकट किसी मनोवैज्ञानिक से मिलें जो सेक्स साइकोलॉजिस्ट के रूप में काम किया हो। अगर बाधा आती है आप हमसे संपर्क कीजिए, सशुल्क सेवा मिलेगी, पर आपको अंदर वो जोश और जुनून दिमाग में नहीं है वो भर देंगे हम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। टिप्पणी कीजिए, टिप्पणी का जवाब देंगे।